हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बहुत बढ़िया। हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर कर रहे हैं। तीन लेक्चर हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज का हम फोर्थ लेक्चर है, न्यूमेरिकल ही इसमें होने वाले हैं मोस्टली बेटा। नाउ लेट अस स्टार्ट। कि क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करते हैं बेटा। लिखते हैं जरा क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन in a straight line with constant acceleration it changes its velocity from 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 मीटर इन टी सेकेंड्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। T की वैल्यू बतानी है बेटा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। मैं बहुत बढ़िया से, अगर वो फॉर्मूले पिछले आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो आज का लेक्चर होगा बिल्कुल मस्त जबरदस्त। ए पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर। तो बेटा पहले तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का इस्तेमाल कर लो, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इनटू 135। तो बेटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू 135 इनटू 2a। तो बेटा यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 into 10 divided by 2 into 135, 25 is a 10, 30 by 27 and it is 10 by 9 meter per second square। ये बेटा acceleration की value आ गई है, हमसे समय पूछा गया है। Now using s is equal to ut plus half it 80 square, ये फिर ऐसे करो जो acceleration आ गया है तो v is equal to u plus 80 use कर लो। फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल 10, बेटा एक्सेलरेशन आया आपका 10 बाय 9 इनटू 10 इनटू टी। सो 10 बाय 9 टी इज इक्वल टू बेटा टी और टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और देखो और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं आज। क्वेश्चन है बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with an acceleration 4 by 3 meter per second square in the third second is options at the top of us 10 by 3 meter, ऑप्शन बी 19 बाई 3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर एंड ऑप्शन डी 4 मीटर। ये क्वेश्चन है बेटा। देखो
इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो हो गई क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जो समय दे रखा है बेटा वो 3 सेकंड दे रखा है। तो नाउ s इज इक्वल टू u इनटू t प्लस हाफ ऑफ a इनटू t स्क्वायर। तो बेटा s इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 3 = 6 मीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा ये, 6 मीटर इज द आंसर बेटा इसका। चलो बेटा देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, बॉडी बेसिकली क्या करती है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड टू थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड का और थर्ड सेकेंड का। तो देखो बेटा यहां पे nth सेकेंड के अंदर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो बेटा sn विल बी इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। तो बेटा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है तो ये जीरो हो गया, तो sn विल बी इक्वल टू a बाय 2 2n माइनस 1। बेटा फोर्थ सेकेंड के लिए अगर आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन तो a बाय 2 2 इंटू 4 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू बेटा 7 a बाय 2। सिमिलरली जब आप थर्ड सेकेंड के लिए बात करोगे तो बेटा एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, 2 × 3 − 1 इट इज 5 a/2। तो बेटा फोर्थ का जो थर्ड से जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7/5। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलो बेटा और देखते हैं जरा, देखो बेटा एक बढ़िया सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट अल्फा फॉर सम टाइम And then retards at rate beta and comes to rest. The total time elapsed is t. You have to find, क्या क्या बताना है बेटा आपको, पहला पार्ट मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय कार और बेटा आपको एक पार्ट और बताना है, उसमें आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ये दो चीजें आपको बतानी है बेटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं। देखो बेटा ध्यान से भाई, इनिशियली देखो बेसिकली इस मोशन के दो पार्ट है, पहला एक्सेलरेट हो रहा है और दूसरे वाले पार्ट में बेटा क्या हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन है। तो केस वन में अगर बात करें, फर्स्ट केस बेटा इनिशियल स्पीड उसकी है जीरो, इस बार उसकी एक्सेलरेशन है अल्फा। अच्छा समय मान लो कि टी वन समय है, तो भाई एक बात बताओ जरा कि पहले तो देखो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। सोचो कि कार एक्सेलरेट करना शुरू हो रही है, जिस इंस्टेंट पे ब्रेक लगेगा उसके जस्ट बाद स्पीड की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, यानी कि बेटा उसी इंस्टेंट पर जब ब्रेक लगाना शुरू हुआ, रिटार्डिंग मोशन शुरू हुआ, उसी टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कि इस वाले केस की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वही क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी।
बेटा जो मैक्सिमम स्पीड आपकी होगी v max, मैं उसको लिखता हूँ इज इक्वल टू u प्लस अल्फा इनटू t1। तो बेटा यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गया v max इज इक्वल टू अल्फा t1, एक इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। केस टू के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो केस टू की इनिशियल वेलोसिटी तो वही होगी जो केस वन की फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनली ये ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, लेकिन बेटा इस बार इसकी एक्सेलरेशन माइनस बीटा है और समय जो है बेटा इस बार वो टी टू है। अगर टोटल समय t दे रखा है तो t1 प्लस t2, ये भी लिख ही लेता हूं, t1 प्लस t2 ये बेटा t होगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। तो भाई यहां पे जरा हम इक्वेशन को यूज करें बेटा कि v इज इक्वल टू u प्लस at को अगर मैं यूज करूं तो v तो बेटा 0 हो गया, u आपका कितना है, u आपका है बेटा अल्फा इनटू t1 माइनस ऑफ बीटा इनटू t2 है। तो यहां से बेटा आ गया अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। तो किसी एक की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता है बेटा, तो t1 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आ गया, बीटा t2 बाय अल्फा प्लस t2 इज इक्वल टू t बेटा। तो यहां से t2 की वैल्यू आ गई बेटा अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा इनटू t, और सिमिलरली बेटा t1 की वैल्यू आ जाएगी बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। थोड़ा सा मैथमेटिकल, तो बेटा टी वन आ गया तो आपके पास वी मैक्स की वैल्यू भी आ गई, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड अल्फा इनटू टी वन होगी बेटा अल्फा इनटू बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। तो बेटा ये कितना हो गया, अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, ये बेटा मैक्सिमम स्पीड आ गई है जो यहां ये ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चे, अभी बेटा एक बार नोट करो, इसमें एक पार्ट और रह गया जो कि है टोटल डिस्टेंस निकालना। बेटा ये जो मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। तो बेटा दो पार्ट में डिस्टेंस आएगा टोटल डिस्टेंस, एक तो एस वन और एक एस टू, पहले वाले केस में एस वन। तो पहले वाले केस में कैसे यूज करूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और बेटा s1, v max की वैल्यू उसका स्क्वायर आपको करना है। अच्छा चलो पहले काम करो कि s1 की वैल्यू लिख लो बेटा, वो आ जाएगा आपका v max का स्क्वायर ओवर 2 अल्फा, ये इक्वेशन नंबर आप 4 लिख लो बेटा। सिमिलरली जो दूसरे वाला जो पार्ट है बेटा, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वो v max ही रहेगी is equal to 2 minus of beta into s2। तो बेटा यहां से s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v max square divided by 2 beta। तो भाई जो टोटल डिस्टेंस है वो तो s1 plus s2 आना चाहिए, तो हमें s1 plus s2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो s1 plus s2 कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। S will be equal to total distance will be S1 plus S2। तो बेटा S1 की वैल्यू है V max square divided by 2 alpha, और बेटा S2 आएगा V max square divided by 2 beta। तो V max तो अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, वो क्या आया था, alpha beta over alpha plus beta into t, और इस पूरे का square, और बेटा ये जो 2 है 1 by, ये भी मैंने कॉमन ले लिया, अब ये बच गया बेटा 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, ये बेटा क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बीटा t ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या ऐसे करो इसका स्क्वायर और t स्क्वायर, इसको बेटा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। तो इस अल्फा प्लस बीटा से एक अल्फा प्लस बीटा चला गया, अल्फा बीटा से एक ये वाला कैंसिल आउट हो गया बेटा। सो नाउ यू विल गेट योर आंसर हाफ ऑफ अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर, ये बेटा टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करेंगे वो आ जाएगा। तो बेटा दोनों ही रिजल्ट जो है, वी मैक्स का भी और जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, दोनों ही रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करो बेटा जल्दी से।
चलो बेटा आगे और क्वेश्चंस करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन 4 m/s² for 10 seconds. Then it moves under constant deceleration and stops in 20 seconds. Find maximum velocity attained by particle and total distance traveled. देखो बेटा, यहाँ पे देखो अल्फा तो गिवन है, दूसरे वाले पार्ट में बीटा नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल वैसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए बेटा 4 m/s² है फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकंड। तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम इसकी जो वेलोसिटी आएगी वही मैक्स होगी, तो यू प्लस ए इंटू टी अभी हमने देखा था, तो बेटा जो मैक्सिमम स्पीड है वो तो 40 m/s आ गई। जो दूसरे वाले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी जो पहले वाले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वही दूसरे वाले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। अच्छा इसके जो ये वाला जो केस था इसमें आप डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो v² - u² = 2 a * s1 आ गया ये। तो बेटा s1 = 40 × 40/8, तो बेटा 200 m आ गया यहाँ से, पहले केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो आ गया। केस नंबर टू देखो बेटा, केस टू की इनिशियल वेलोसिटी तो वही है जो वहां पे फाइनल थी 40 m/s, बट ये फाइनली रेस्ट पर आ गया और जो समय इसने दिया वो 20 सेकंड दे दिया बेटा। तो नाउ v = u + a * t, ठीक है। तो बेटा a = यहां से कितना आ गया, -2 m/s² माने कि रिटार्डिंग मोशन है। तो एक तरह से देखो अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना था, तो आपको पास देखो क्या क्या आ चुका है, अल्फा की वैल्यू एक तरह से आपके पास क्या है बेटा 4, बीटा की वैल्यू 2 है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात कर रहा हूँ, और जो टोटल समय लगेगा 10 वो और 20 30 सेकेंड। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आएगा बेटा कितना आएगा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर ओवर अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा बेटा। तो आप देखेंगे जरा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और ये बेटा 10, ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे जो भी आंसर आ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा बेटा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व किए करेंगे हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, एक पार्टिकल है जो 10 m/s से ट्रेवल कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन -2 m/s² है, आपसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड क्या होगा बेटा।
तो आप कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप s आपको चाहिए u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे बेटा 60 ये कैंसिल माइनस ऑफ 36, आप कहेंगे सर 24 मीटर। मैं कहता हूं ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो s है ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है। मैंने आपने कहा कि सर आपने तो खुद नहीं कहा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। वहां पे बेटा मैंने एक बात और कही थी कि यूनिडायरेक्शनल मोशन होना चाहिए, कहीं पे डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आप एक बात ध्यान रखना बेटा, whenever direction of velocity and acceleration are opposite, the speed of the particle decreases। बेटा अगर स्पीड, आप ऐसे समझो कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, या फिर एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, वी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइन, उस केस में बेटा स्पीड 100% घटेगी ही घटेगी, और वहां पर बहुत चांस होता है कि पार्टिकल की स्पीड किसी मोमेंट में जीरो भी हो जाए। अच्छा वो अभी डिस्कस करेंगे बेटा, ये होगा क्या इसमें आगे। और बेटा दूसरी बात कि व्हेन direction of velocity and acceleration are same, then speed of particle increases। बेटा उस केस में पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो बेटा ये वाला जरा एक केस इस वाले यहां से एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं। देखो भाई एक्चुअल में क्या हो रहा था कि मान लो कि पार्टिकल बेटे यहां से शुरू हुआ, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो मतलब ये होगा कि स्पीड घट रही होगी। तो घट रही होगी तो पहले ये चेक कर लो कि वो कौन सा इंस्टेंट है बेटा जब पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी, वो समय जितना हमसे पूछा गया है उतना है उससे पहले। तो v जीरो u टेन टू इंटू टी बेटा, तो t की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा, समझने की कोशिश करना। चलो मान लो बेटा t इक्वल टू जीरो ये था और पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पर यहां है, तो चलो चलता गया पार्टिकल, चल रहा है और ये t इक्वल टू 5 आ गया बेटा। तो t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल कितना ट्रेवल कर चुका है ये निकाल सकता हूं मैं, s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a वो जो कि बेटा माइनस 2 है इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये बेटा 50 माइनस ऑफ 25, तो बेटा 25 मीटर तो ये आ गया। अब जरा सोचो कि आपका आंसर तो बिल्कुल सरासर ही गलत था। पार्टिकल t इक्वल टू 5 पर यहां पर है, लेकिन बेटा पार्टिकल की स्पीड जीरो हो चुकी है, बट एक्सेलरेशन इस तरफ डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन इस तरफ है। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा, और वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, यहां पर पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा, पार्टिकल सीधा चलता चलता अब घूम जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड जीरो हो चुकी है। जैसे कि आप ऊपर बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं बेटा, तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन उस पे जो जी जो लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है। पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होता जाएगा, उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ही फोर्स लग रही है। इस पार्टिकल में बेटा इस तरफ फोर्स लग रही है, तो अभी इस तरफ चलना शुरू करेगा। तो अब देखो जरा कि यहां तक 25 ट्रेवल कर चुका है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, अब इधर बेटा 1 सेकंड और चलेगा,
तो ये एस वन बेटा एस टू देखो यू तो जीरो था इंटू टी प्लस हाफ ऑफ बेटा इस बार एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है वो दो ही है और बेटा समय इस बार एक सेकंड का है तो एक मीटर और ट्रेवल कर लिया तो 25 तो ये ट्रेवल किया था एक वो 26 मीटर ट्रेवल करेगा टोटल डिस्टेंस। तो जो आपने 24 मीटर जो बेटा आपका जो आंसर आ रहा था वो 24 मीटर डिस्टेंस नहीं है वो है 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। देखो जरा आप एक इधर चले तो 24 पे आपका डिस्प्लेसमेंट आया बेटा डिस्टेंस नहीं आया। नोट करो बेटा जल्दी से फटाफट नोट करो। और देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं जरा इसी टाइप का। ये कोई बेटा पार्टिकल है ये 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ मूव कर रहा है और बेटा इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान लो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स। तो बेटा पहले जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो पहले ये चेक कर लो कि वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है। तो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो कब हो रही है इनिशियल वेलोसिटी 6 थी ये -2 इनटू t बेटा तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन उस समय तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा तो u बेटा कितना है 6 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर तो बेटा ये 18 माइनस 9 तो ये 9 मीटर आ गया। तो यानी कि बेटा t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पे था x इक्वल टू 0 पर तो आपको 3 सेकंड पर यानी कि t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल यहां मिलेगा और ये यहां से यहां तक की दूरी बेटा 9 मीटर की आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड जीरो हो चुकी है और पार्टिकल इस तरफ मूव करना शुरू करेगा इस तरफ देखो टोटल 3 सेकंड तो लग चुके हैं 2 सेकंड और बचे हुए हैं तो 2 सेकंड बचे हुए हैं ना बेटा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है समय 2 सेकंड है और एक्सेलरेशन बेटा इस बार इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव ही है वो 2 मीटर लिखूंगा मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा क्या लिखेंगे s is equal to u into t plus half of a into t का स्क्वायर तो बेटा 4 मीटर ये इस तरफ और ट्रैवल करके आया 9 तो पहले कर चुका था और 4 मीटर और ट्रैवल कर दिया तो बेटा जो टोटल डिस्टेंस है उसका वो 13 मीटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका 5 मीटर है। क्लियर है बेटा। बेटा बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है बेटा यानी कि आपने किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ फेंक दिया यानी कि जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ किसके प्रभाव में हो रही है ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके प्रभाव से जो मोशन हो रही है। आप किसी भी पार्टिकल को कहीं पर भी फेंकेगा बेटा तो आप देखो कि ये इसका मास है इस पे एक डायरेक्ट एक एमजी फोर्स डाउनवर्ड लगेगी ये इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस में ऑलरेडी बता चुके हैं उसका वेट। तो यानी कि बेटा इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी वो एमजी डिवाइडेड बाय मास तो बेटा ये जी होगी। अगली बात ये क्या है कि जी जो है बेटा जी इज डायरेक्टेड towards the center of earth अब बेटा एक कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगा, राइटवर्ड पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड नेगेटिव। तो एक बात समझ आ गया कि सर एक बात बताओ जरा, बहुत सिंपल सी बात करते हैं बेटा, कि किसी भी पार्टिकल को आपने वेलोसिटी ऊपर की तरफ देख के फेंक दिया, चाहे आपने किसी भी पार्टिकल को वेलोसिटी नीचे की तरफ देख के फेंक दिया, चाहे आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, जो मर्जी केस हो, तीनों ही केसेस के अंदर बेटा इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी एमजी बेटा वो भी इधर लगेगी, इस वाले केस में भी डाउनवर्ड लगेगी और बेटा इस वाले केस में भी डाउनवर्ड ही लगेगी। जो मर्जी काम कर लो आप बेटा, जहां मर्जी फेंक लो, चाहे आप इसको थीटा एंगल पर फेंक लो बेटा इस बोल को, जी तो डाउनवर्ड ही लगेगा और तीनों केसेस में जी डाउनवर्ड है। इसका मतलब बेटा जो हमारा कन्वेंशन है, एज पर आवर साइन कन्वेंशन जी इज ऑलवेज नेगेटिव, जी की वैल्यू बेटा हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे जो हम हमारा सिस्टम लेंगे। मैं आपको बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत बुक्स मिलेगी, आपको बहुत जगह ऐसे मिलेंगी कि आप बार बार इसको चेंज करेंगे कन्वेंशन को। मैं कह रहा हूं कि नहीं करना है बेटा, एक ही कन्वेंशन रखेंगे, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, यही कन्वेंशन रखना है और कोई सोचना नहीं है। जब भी कोई डायरेक्शन नीचे की तरफ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, उसको नेगेटिव लिखना बच्चों, जी हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ये बात सोचना ही मत कि जी पॉजिटिव भी होगा, कोई और कोई लॉजिक से कुछ मत करना, सिर्फ जो बता रहा बेटा उसी से करना है आप, तो ठीक है बेटा। तो अब एक बात और कि बेटा जो जी की वैल्यू है near the surface of the earth जो बेटा जी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम इसको बहुत बार अपने कन्वीनियंस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब बेटा क्या हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब बेटा ये जो मोशन है आपका, ये कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया बेटा कि जो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये सब जो इक्वेशन हम पढ़ी थी वो सब के सब इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सब के सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नोट करो बेटा, देखो बेटा फ्री फॉल का केस करते हैं। फ्री फॉल मान लो बेटा ये कोई टावर है या हाइट है, इस टावर की हाइट बेटा h मान लो, यहां से आपने कोई बॉल जो है वो क्या कर दी बेटा, ड्रॉप कर दी। और बेटा ये बात ध्यान रखना कि जितना भी हम ये मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं इसमें जो भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह है वो सब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस वो सब कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने का मतलब ये हो गया बेटा इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ध्यान से देखना बेटा, चलो क्वेश्चन में पूछा कि कितने समय में ये यहां पहुंचेगा और किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। देखो बेटा इनिशियल स्पीड पार्टिकल की जीरो है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एच है, ना 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 एच नहीं है, देखो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एच डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस एच डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एच डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एच, एक्सेलरेशन बेटा माइनस जी के इक्वल ही आएगा, ठीक है बेटा। अब जरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या बेटा, हमें तो टी चाहिए, तो एक इक्वेशन तो ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू बेटा माइनस एच, ये फैक्टर जीरो हो गया, प्लस हाफ ऑफ
माइनस जी टी का स्क्वायर बेटा। तो यहां से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। इसको बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल को एच हाइट से ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप किया है बेटा, वेलोसिटी नहीं दी है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप करेंगे तो वो अंडर रूट टू एच बाई जी समय में ग्राउंड पर पहुंचेगा। अगला बात यह कि वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा। तो बेटा मान लो वी से हिट करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए इंटू माइनस ऑफ एच, एच नेगेटिव है ना बेटा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, और बेटा वी इज इक्वल टू यहां से प्लस माइनस अंडर रूट टू जी एच आएगा। लेकिन क्योंकि बॉल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हिट करेगी इसलिए बेटा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट टू जी एच। और बेटा अगर वो स्पीड पूछे कि किस स्पीड से हिट करेगा तो स्पीड इज सिंपली अंडर रूट टू जी एच। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा अंडर रूट ऑफ टू जी एच। नोट करो बेटा जल्दी से ये। ठीक है चलो बेटा और देखते हैं छोटी छोटी चीजें। बेटा मान लेते हैं कि यहां से ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड से कोई बॉल है बेटा, इसको आपने u स्पीड से ऊपर की तरफ, u मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया है। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, मैक्सिमम क्या हाइट अटेंड करेगा सेकेंड पार्ट बेटा, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब बेटा ये हो गया कि उसको कितना समय टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना समय उसको नीचे आने में लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक बेटा ये बता दो कि स्पीड विद विच बॉल हिट, बॉल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को किस स्पीड से वो हिट करेगा ये आपको बताना है। तो काम की बात देखो बेटा कि एट मैक्सिमम हाइट, देखो बेटा एक्चुअली हो क्या रहा है कि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, स्पीड उधर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पार्टिकल की स्पीड घटती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जब स्पीड जीरो हो जाएगी। सो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट बेटा, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, जो पार्टिकल की स्पीड है बेटा वो जीरो हो जाएगी। तो यानी कि यहां बेटा v जीरो हो गया, मैं इसको बेटा ए पॉइंट बोल देता हूं, ये पॉइंट बी। तो अब आप ए से बी में आप देखिएगा कि v की वैल्यू जीरो है बेटा, u आपको u ही दे रखा है, एक्सेलरेशन बेटा माइनस g है। सो नाउ यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस a इनटू बेटा जो उसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो पहुंचने में समय लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट है, वो बेटा मैंने ta लिखा हुआ है। सो ta इज इक्वल टू u बाय g, ये बेटा टाइम ऑफ एसेंट आ गया आपका। आपसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए क्या यूज करूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एट मैक्सिमम हाइट v इज 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बेटा a इज माइनस g, और बेटा डिस्प्लेसमेंट इस बार ऊपर की तरफ हुआ है तो ये h पॉजिटिव होगा। तो बेटा यहां से h की वैल्यू आपकी आ गई u स्क्वायर बाय 2g। तो बेटा मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये बात भी ध्यान रखिए बेटा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एक बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेटा क्या हो गया कि आपने बॉल को फेंका ऊपर गया और वापस नीचे आ गया,
तो यानी कि पूरी जर्नी के दौरान जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है, वो वहीं पे आ गया जहां वो था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो बेटा। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, इधर से बेटा अलग कर रहा हूं मैं, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गई है तो नाउ यूजिंग एस जीरो यू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपका क्या आ गया, टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मैं कैपिटल टी से लिखता हूं, इट इज इक्वल टू टू यू बाय जी। जितना ज्यादा स्पीड से आप फेंकोगे उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा बेटा, उतना ही ज्यादा वो हवा में रहेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। जरा आपने ध्यान से देखा हो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, यू बाई जी तो टाइम ऑफ एसेंट था, और टाइम ऑफ डिसेंट अगर आपको निकालना हो तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था उसमें से टाइम ऑफ एसेंट को मैं घटा देता हूँ, यू बाई जी आ गया बेटा। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी बराबर होंगे बेटा। जितना समय पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही समय उसको वापिस ग्राउंड पे आने में भी लगेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना है आपको। ये रेशन नेग्लेक्ट किया हुआ बेटा हमने इसमें। एक और बेटा इसमें एक पार्ट और बताना था कि किस स्पीड से वो ग्राउंड को आकर के हिट करेगा। तो किस स्पीड से आकर के हिट करेगा, देखो थ्रू द कंप्लीट जर्नी बेटा एस तो जीरो है, so now v square minus u square is equal to 2as, so v square initial तो यही था बेटा 2a और ये zero बेटा ये minus g, तो बेटा v square is equal to u square और v is equal to plus minus u, तो v is equal to बेटा minus u क्योंकि negative direction है, downward direction है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ से क्या पता लगा, जिस speed से बॉल को फेंका गया था, बॉल उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी। जिस स्पीड से बेटा आप फेंकोगे उसी स्पीड से वापस वो नीचे आ जाएगी, उसी स्पीड से वो हिट करेगी। तो ये बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी था, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया है। इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू।